गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल एकेडमी। सो आज बेटा हम लोग बात करेंगे डिमांड की, थोड़ी और आगे की कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। हमने कल जो चैप्टर स्टार्ट किया था दैट वाज डिमांड, ठीक है। डिमांड के अंदर हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी डिमांड की, ठीक है। फिर हमने दूसरा पढ़ा कि डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या है, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्या क्या होते हैं, ठीक है। देन वॉट वी हैव ऑलरेडी डन इज डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स लॉ ऑफ डिमांड। आज का हमारा पूरा क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, उसके अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस के बारे में। सो व्हाट इज दिस लॉ ऑफ डिमांड। बहुत सिंपल है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, बट इट रिक्वायर्स योर अटेंशन। फुल अटेंशन आपकी चाहिए यहाँ पे। हम लोग बात कर रहे हैं बेटा लॉ ऑफ डिमांड की, ठीक है। बहुत ध्यान से देखते चलना। फॉर बोथ CBSE एंड गुजरात बोर्ड, दोनों के लिए सेम टॉपिक लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। क्या बोलता है लॉ ऑफ डिमांड? डिमांड का लॉ क्या बोलता है, दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट। मतलब मैंने आपको कल जो फैक्टर्स बताए थे, कल हमने जो फैक्टर्स के बारे में बात की थी या डिटरमिनेंट्स आप बोल सकते हैं, उन फैक्टर्स के अंदर मैंने आपको दो में बाइफर्केशन कराया था। एक पीएक्स मतलब प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी, और बाद में मैंने क्या बोला था, अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स के हमने काफी सारी लिस्ट देखी थी। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि डिमांड का और प्राइस का रिलेशनशिप बताता है, अज्यूमिंग अजम्पशन क्या है कि ये बाकी सारे फैक्टर्स चेंज नहीं हो रहे हैं। बाकी सारे फैक्टर्स का मतलब क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं हो रहा है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स चेंज नहीं हो रहा है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज नहीं हो रही है, साइज एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द पॉपुलेशन, ये सब चीजें चेंज नहीं हो रही है। इन अदर फैक्टर्स के अंदर से कुछ भी बदल नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड का और प्राइस का रिलेशनशिप बता रहे हैं। एंड इट सेज एज पर द लॉ ऑफ डिमांड, आप लोगों को पता है हमने इकोनॉमिक्स के अंदर डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि इट स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। यही है वो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एवरीडे लाइफ। हम यहाँ पे एक्सेप्शंस और अजम्पशंस लेके चलते हैं। व्हाई? बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज, ठीक है। मैं बहुत सारी अजम्पशंस अपने आप से बना सकती हूँ, लेकिन हमको अगर कोई कंसेप्ट यूनिवर्सली समझना है तो हमको समझना पड़ेगा, हमको कुछ चीजें कुछ बातों का ध्यान रखते हुए समझना पड़ेगा। सो इन एवरी लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स वी हैव सम अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड की, और लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट क्या कहता है, it says that other factors being constant there is an inverse relationship. इनवर्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट, इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। इन शॉर्ट डिमांड और प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप समझते हो, पापा घर के अंदर हम घर के बाहर, हम घर के अंदर पापा घर के बाहर, मतलब पापा जब घर के बाहर जाते हैं तब हम घर के अंदर आते हैं, ठीक है, ऐसा। तो कैन आई से दैट कि जनरली बॉयज का ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है उनके फादर्स के साथ। क्या होता है इस एज के अंदर स्पेसिफिकली कि प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। सो दिस इज नोन एज इनवर्स रिलेशनशिप और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बेटा बात कर रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं प्राइस की, तो प्राइस यहाँ पे क्या है, कॉज वेरिएबल। प्राइस मेरा क्या बेटा यहाँ पे, कॉज वेरिएबल, और क्वांटिटी की डिमांड क्या है यहाँ पे, इफेक्ट वेरिएबल। इसमें अगर कुछ भी चेंज आता है तो तुरंत इसमें चेंज आ जाता है। आप वेदर यू अग्री और नॉट, जब
जब सेल लगी होती है ठीक है, तो वहां पे प्राइस कम होने की वजह से सेल बढ़ जाती है, मतलब वहां पे डिमांड बढ़ जाती है। ओके, नॉर्मल है, एवरीडे ह्यूमन बिहेवियर को ही हम लोग यहाँ पे स्टडी करें, इकोनॉमिक्स का मतलब वही है ठीक है। सो लेकिन अजम्पशन क्या है कि अदर फैक्टर्स चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, अदर फैक्टर्स चेंज नहीं हो रहे हैं, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो अगर आपको कोई पूछे कि अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जितने फैक्टर्स थे ना, अदर फैक्टर्स जितने भी थे, वो सारे रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मतलब आपको एक एक करके लिखना पड़ेगा ठीक है। अगर वन मार्क के अंदर पूछा है तो आप बोल सकते हो कि अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो ये वन लाइन हो गया। लेकिन अगर आपको 3 मार्क में 4 मार्क में 5 मार्क्स में अगर ऐसे कुछ पूछते हैं, देन यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। जैसे कि हमारे पास जो डिटरमिनेंट्स थे डिमांड के, क्या क्या था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, या साइज एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द पॉपुलेशन, ये सारी चीजें, जितने भी अदर फैक्टर्स थे, ये सारे के सारे रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दे डू नॉट चेंज। ये अजम्पशन है किसकी, लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन है। अगर ये सारे फैक्टर्स अदर देन प्राइस सब कॉन्स्टेंट रहेंगे तो ही ये रिलेशनशिप ऑपरेट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ गया, भले प्राइस बढ़ रहे हैं, वो महंगी चीज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नया ट्रेंड निकलता है, कोई नया टाइप का ड्रेस है, या फिर कोई नई टाइप का जीन्स वगैरह आउट आया है, ठीक है, जो नए फैशनेबल कपड़े होते हैं वो ज्यादा महंगे रहते हैं, तो भी उनकी डिमांड बढ़ती रहती है। सो कैन आई सी दैट कि व्हेन देयर इज, अगर कोई एक अलग फैक्टर अदर देन प्राइस, अगर कोई फैक्टर अगर वहां पे चेंज हो जाता है, तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, ठीक है। दैट इज व्हाई ये लॉ ऑफ डिमांड कब ऑपरेट करेगा, जब भी, एवरी टाइम व्हेन देयर द अदर फैक्टर्स, अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो हमने यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड देखा, फिर अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड देखी। अब हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को समझने की कोशिश करेंगे थ्रू डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व, ठीक है। हमने डिस्क्रिप्टिव मेथड तो देखा, हमने लॉ ऑफ डिमांड समझने का डिस्क्रिप्टिव मेथड, स्टेटमेंट लिख के देखा, अब उसको शेड्यूल और ग्राफ के अंदर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो, हम लोग यहाँ पे बेटा बात कर रहे हैं अभी डिमांड शेड्यूल की, आई एम टॉकिंग अबाउट डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल मतलब, डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है बेटा, इट्स अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन क्या बोल रहा है, अच्छा लेट मी डू वन थिंग, शेड्यूल एंड कर्व को हम लोग पैरेलली लेते हैं। शेड्यूल की बात करते हैं, इट्स अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं कुछ इस तरह, प्राइस, कोई भी कमोडिटी आप यहां पे ले सकते हैं, वड़ा पाव, दाबेली, कुछ भी, जो भी आपका मन करता है, ठीक है। प्राइस और बाद में उसका सामने उसका क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स, क्वांटिटी की डिमांड किसमें रहती है बेटा, इन यूनिट्स के अंदर, ठीक है। सो लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द प्राइस वॉज वन द क्वांटिटी डिमांडेड वॉज 10, जब 1 रुपए में मिलती थी तो उसकी डिमांड कितनी होती थी, 10, जब प्राइस बढ़ के 2 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस टू 8, प्राइस बढ़ के 3 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस टू 5, ठीक है, प्राइस बढ़ के 4 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस टू फॉर एग्जाम्पल 1, प्राइस बढ़ा तो यहाँ पे क्वांटिटी की डिमांड कितनी रहेगी बेटा, चलो यहाँ पे इसको 6, 3 and 1, ओके कुछ इस तरह से ले लेते हैं। डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है, दैट इज व्हाट लॉ ऑफ डिमांड सेड। ओके, लॉ ऑफ डिमांड का जो डिस्क्रिप्टिव मेथड था उसके अंदर उसने बताया कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स डू नॉट चेंज, देन इन दैट केस लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स व्हिच सेज वेयर देयर इज इंक्रीज इन प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड
रिड्यूसेस, ठीक है। क्यों ऐसा होता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि ये टेबुलर फॉर्म के अंदर और ग्राफिकल फॉर्म के अंदर हम लोग इसको किस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव टू मेक अ ग्राफ y एक्सिस x एक्सिस एंड दिस इज माई ओरिजिन। अगेन मैंने आपको बताया था कॉज एंड इफेक्ट, हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अरे बेटी यहाँ पे हम लोग बेटा बात कर रहे हैं प्राइस की, ठीक है। सो प्राइस इज माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 1, 2, 3, 4 and 5, दिस इज माई प्राइस इन रुपीज। अगर ग्राफ आपका प्रॉपरली लेबल्ड नहीं है देन इट वोंट डू एनी गुड टू यू। एग्जाम के अंदर पूरा का पूरा ग्राफ कट कर दिया जाएगा अगर वो प्रॉपरली लेबल्ड नहीं है। वाई एक्सिस के ऊपर क्या रखा है, तुम्हारी हाइट, और वाई एक्स एक्सिस के ऊपर तुम्हारा वेट रखा है। तुम बताओगे नहीं जब तक कि तुमने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे क्या अज्यूम किया, तब तक एग्जामिनर को पता नहीं लगेगा। सो अनलेबल्ड ग्राफ इज इक्वलेंट टू नो ग्राफ, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ग्राफ की लेबलिंग प्रॉपरली करें, वाई एक्सिस कौन सा एक्सिस है, कौन सा ओरिजिन कहाँ है, ठीक है। क्या आप डिटर्मिनेंट्स ले रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 10, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिया, क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर ले लिया। चलो अब इसको यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। एट प्राइस 1 द क्वांटिटी डिमांडेड इज 10, एट प्राइस 2 क्वांटिटी डिमांडेड इज 8, एट प्राइस 3 द क्वांटिटी डिमांडेड इज 6, देन एट प्राइस 4 इट इज 3, सो समवॉट हियर, देन इट इज 1 somewhat. Okay, can you see that? Can you see how is the graph? Achha, graph actually na, because of not proper scaling, graph would be a straight line running downwards. Matlab, ye jo hamara graph kaisa bana hai? Demand curve ka hamara graph kaisa bana hai? Downward sloping. ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज नोन एज डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ कब बनते हैं, जब ये जो टू डायमेंशनल ग्राफ है ना बेटा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनके ऊपर दो जो दो भी हमने प्लॉट किए हैं, मतलब प्राइस और डिमांड, यहाँ पे इस केस में प्राइस और डिमांड दोनों का क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ कब बनते हैं, व्हेन देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, मतलब प्राइस और डिमांड। इस केस के अंदर प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर एक बढ़ रहा है, प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड रिड्यूस हो रही है। इस वजह से क्या हो रहा है बेटा, ये इस वजह से इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से हमारा जो ग्राफ है वो कैसा बन रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन आता है कि why the demand curve is downward sloping, because of the inverse relationship between price and quantity demanded, which our law of demand also states. Okay, तो हमारा law of demand भी तो यही बोल रहा था। So this is how we can represent this law of demand and demand schedule and demand curve. If there is any problem, you can message me or you can comment me in the video itself. As you are comfortable, just do that. But you can ask me the questions. ठीक है? अगर बेटा आप लोग अपने दिमाग के अंदर ये सोच रहे हैं कि एक बार लॉकडाउन खुल जाएगा या फिर हमको ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अपने दिमाग से ये ख्याल, ये बातें सब निकाल दो। Why? Because what you will be doing, you will be wasting your one year. Frankly telling you, ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। पहले के जमाने के अंदर जहाँ पे ऑनलाइन ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं हो सकती थी, इन दैट केस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वेन यू हैव द ऑप्शन, हाउ यू कैन जस्टिफाई कि हम लोगों ने नहीं किया, ठीक है। आपके एग्जाम्स होंगे, आपको एग्जाम्स के अंदर अपीयर भी करना पड़ेगा, आपको परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा। आपको सबसे इंपॉर्टेंटली क्या करना है, आपको अपने आप को कन्विंस करना है कि आप ऑनलाइन कैसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। व्हाटएवर बेस्ट कैन बी डन, वी आर ट्राइंग टू डू दैट। अगर कोई प्रॉब्लम है फिर भी आपको,
देन यू कैन शेयर दैट प्रॉब्लम. ठीक है, व्हाई आई एम नॉट हियरिंग फ्रॉम योर साइड आई डोंट नो, बट यू कैन शेयर एनी प्रॉब्लम विच यू हैव फ्रॉम योर साइड. वी विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट प्रॉब्लम ऑल्सो. ठीक है, अभी ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रहा है, हम लोग ऑनलाइन नहीं जा रहे, बट दैट डज नॉट मीन दैट आई वोंट आंसर योर क्वेरीज. यू पुट इट योर क्वेरीज ना, आप अपनी क्वेरीज लिखो, आप अपनी क्वेरीज भेजो, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा. ठीक है, सो प्लीज डू दैट एंड प्लीज कोऑपरेट विद दैट. नाउ कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पोर्शन, द नेक्स्ट पोर्शन इज कि व्हाई द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड. नाउ द क्वेश्चन राइज कि मैम ये तो आ गया कि प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड घटती है, इतना तो हमको पता लग गया, बट रीजन भी बता दो कि प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड घटती क्यों है. सो फॉर दैट वी हैव प्रिसाइसली फ्यू रीजंस. आपको एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है कि व्हाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स, मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम करता है, और लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, इनवर्स रिलेशनशिप. ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है ही क्यों. ठीक है, तो बोथ क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड. व्हाट यू हैव टू आंसर इज, अब आप आंसर बहुत ध्यान से सुनना. व्हाई, बिकॉज इसके अंदर आपको हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, आई विल ट्राई. ठीक है, लेकिन एक एक पॉइंट को थोड़ा सा ब्रॉड माइंड से सुनिएगा. सबसे पहला रीजन क्या है इसका, इनकम इफेक्ट. इनकम इफेक्ट के चलते क्या होता है, रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर. Or we can say that money value, real income. We can say that real income is reduced. कहना क्या चाह रहे हो मैम, लिख तो दिया आपने लेकिन आप कहना क्या चाह रहे हो. मैं ये कहना चाह रही हूँ बेटा कि अपने आप को इमेजिन करो. ठीक है, आपको मम्मी ने बोला कि 2 लीटर दूध ले आओ. ठीक है, उनको पता है मार्केट के अंदर 2 लीटर दूध, मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी 60 रुपीज का मिल रहा है. ठीक है, 2 लीटर दूध, जो 2 लीटर मिल्क है अमूल की, जो हम लोग पैकेट लेके आते हैं, वो 60 रुपीज का भी मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज. तो वो जो 60 रुपीज मम्मी ने आपको दिए और लेके भेजा कि जा 2 लीटर दूध ले, अब आप शॉप के ऊपर पूछा और उसने बोला कि 65 रुपीज हो गए 2 लीटर दूध के, अब क्या होगा, आपके हाथ में तो 60 ही रुपये थे. क्या अब आप चाह के भी 2 लीटर दूध खरीद सकते हो उस टाइम के ऊपर, नहीं. Now can you make out के अगर किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो हमारी परचेजिंग पावर घटा देता है. Why? Because हमारी इनकम तो उसके हिसाब से नहीं बढ़ रही है ना, हमारी इनकम तो नहीं बढ़ रही है उसके हिसाब से, हमारी इनकम तो कॉन्स्टेंट है, जितनी है उतनी की उतनी है. मेरे पास जो 60 रुपीज थे वो तो उतने की उतनी ही है, लेकिन जो मैं चीज 60 रुपीज में पहले खरीद पा रही थी अब मुझे उसके लिए 65 रुपीज देने पड़ेंगे. सो वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कट डाउन द क्वान्टिटी. आप क्या बोलोगे, नहीं 2 लीटर तो नहीं, एक काम करो भैया 1.5 लीटर दे दो. ऑब्वियसली बात है आपने 1.5 लीटर की क्वांटिटी काट दी. व्हाई, बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड इट. सो कैन यू नाउ मेक आउट के इनकम इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि व्हेन देयर इज इंक्रीज इन प्राइस इट रिड्यूसेस या चेंजेस द परचेसिंग पावर और रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर. कंज्यूमर की जो रियल इनकम है उसको कम कर देती है, घटा देती है व्हेन देयर इज इंक्रीज इन प्राइस. तो इवेंचुअली चाहके ना चाहके भी आपको डिमांड कम करनी पड़ेगी. ठीक है, घर में जो इनकम आ रही है दैट इज फिक्स्ड. आप 60 रुपीज की आपके हाथ में 60 रुपीज, आप घर पे जाकर और 5 रुपीज ले सकते हो. बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट के जो घर में इनकम आ रही है वो तो फिक्स ही है ना, वो तो कॉन्स्टेंट ही है. ऐसा तो नहीं है कि अगर कल महंगाई बढ़ जाएगी तो पापा और ज्यादा कमाने लगेंगे. ठीक है, होता है ऐसा, लेकिन दैट इज नॉट दैट फ्रीक्वेंट. ठीक है, जितना महंगाई बढ़ रहा है उसके हिसाब से इनकम नहीं बढ़ रही है. So, इस वजह से आपको डिमांड कम करनी पड़ती है. दिस इज व्हाट माय इनकम इफेक्ट सेज. सेकंड इज व्हाट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट,
बहुत सिंपल, आपको मार्केट के अंदर इतना कंपटीशन है, अगर आपने अपना प्राइस हाई किया तो मैं आपका प्रोडक्ट छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर कूद पड़ूंगी। कैन यू सी दैट? फॉर एग्जाम्पल अगर सर्फ एक्सेल वाले अपना प्राइस बढ़ा दे तो मैं एरियल खरीदने लगूंगी। चलो एरियल तो और भी महंगा आता है, चलो सर्फ एक्सेल वाले अगर अपना प्राइस बढ़ा दे तो मैं टाइड यूज करने लगूंगी। व्हाटएवर, मतलब मेरे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर मेरे गुड के प्राइस के अंदर चेंज आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि दो वड़ा पाव वाले हैं, ठीक है, बाजू बाजू में ही बैठे हैं, दो वड़ा पाव वाले हैं, बिल्कुल बाजू बाजू में बैठे हैं, मैं हमेशा ए वाले का वड़ा पाव खाते थे, ठीक है, अब उस वो 10 रुपये का देता था, अब उसने बोला 10 रुपये नहीं, बहुत महंगाई हो गई है, हम लोग अब उसको एक वड़ा पाव हम लोग 12 रुपये में देंगे, ठीक है, और उसके बाजू वाला जो बैठा है ना वो 10 रुपये में अभी भी दे रहा है, वो पहले भी 10 में देता था अभी भी 10 में दे रहा है, मैं क्या करूंगी, मेरी तो इनकम फिक्स है, ठीक है, मैं क्या करूंगी, एक रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा, मैंने यहाँ पे क्या बोला, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस वगैरह कुछ यहाँ पे काम नहीं करा, ठीक है, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेटा क्या करेंगे, हम लोग ए वाले को छोड़ के बी वाले का वड़ा पाव खाने चले जाएंगे, तो ऑब्वियसली जो ए वाले की डिमांड थी, ए वाले के वड़ा पाव की जो डिमांड थी वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी, वाई, बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, एंड इफ देयर इज इंक्रीज इन वन गुड तो उसकी जो सब्स्टिट्यूट गुड है ना उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगी, वाई, बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मजे की बात क्या है कि इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, मतलब इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों को मिला दूं तो ये मिला के क्या होता है, प्राइस इफेक्ट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्राइस इफेक्ट, तो उसके अंदर आपको इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों को ही एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक है, मतलब अगर प्राइस इफेक्ट क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर तो आपको इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दोनों को एक्सप्लेन करना रहेगा। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी और आस्क मी, ठीक है, हैप्पी टू हेल्प। नाउ ये करने के बाद अब हम लोग बेटा बात कर रहे हैं दूसरा और क्या हमारे पास, और क्या है हमारे पास रीजंस, ठीक है, अब ये गुजरात बोर्ड वालों के लिए नहीं है, गुजरात बोर्ड वालों के लिए एक्चुअली ये रीजन नहीं है, बट सीबीएसई के लिए है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट करता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज दिस, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, ठीक है, देखो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूजफुलनेस, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूजफुलनेस, हम कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई भी गुड या कोई भी सर्विस हम लोग जब खरीदते हैं तो हमको क्या देती है, एक यूजफुलनेस देती है, ठीक है, वो यूजफुलनेस क्या है मेरे लिए बेटा, दिस यूजफुलनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। अगर मुझे, मैं अगर मार्केट के अंदर कोई भी चीज खरीदने जा रही हूँ, ठीक है, हजारों चीजें वहां पे मिलती है, मैं हर चीज तो खरीद के नहीं लेके आती, जो चीज मुझे यूजफुल रहेगी मैं वही चीज खरीदती हूँ, ठीक है, और दूसरी चीज मैं क्या वहां पे देखती हूँ कि प्राइस में कितना देने के लिए तैयार हूँ, जितना मुझे उससे यूजफुलनेस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मम्मी पापा आपको चलो लेके गए शॉपिंग के लिए, ठीक है, आपने एक ड्रेस देखी आपको बहुत अच्छी लगी, लेकिन वो ड्रेस थी फॉर एग्जाम्पल जब आपने ट्राई किया था बड़ी अच्छी लग रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, प्राइस पूछा आपने तो वो थी 3000 रुपीज की, ठीक है, तो मम्मी पापा ने क्या बोला कि नहीं यार 3000 रुपए तो बहुत महंगे, ड्रेस तो बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि ड्रेस अच्छी नहीं है, ड्रेस तो बहुत अच्छी है लेकिन 3000 रुपीज बहुत ज्यादा है इस ड्रेस के लिए, ठीक है, हम इस ड्रेस के लिए 3000 रुपीज नहीं देंगे, ठीक है। नाउ आपने दूसरी ड्रेस देखी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की वो ड्रेस थी 2000 रुपीज की, वो भी आपके ऊपर अच्छी लग रही थी लेकिन उतनी अच्छी नहीं लग रही थी बट तो भी अच्छी लग रही थी, लेकिन मम्मी पापा मान गए कि चलो 2000 रुपीज इस ड्रेस के लिए दे दिया जा सकता है, दे देते हैं, ठीक है। नाउ
वही मम्मी पापा आपको ले गए ज्वेलर्स की शॉप के अंदर, ठीक है, वहां पे आपके लिए इयररिंग्स खरीदे। अब इयररिंग्स खरीदे, अब वही इयररिंग्स ज्वेलर के शॉप के ऊपर जब बैठे थे तो वो 30,000 के इयररिंग्स थे। वहां पे वो 3,000 भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन यहाँ पे इयररिंग्स के ऊपर वो लोग 30,000 भी खर्च कर रहे हैं। उन्होंने आपको 30,000 के इयररिंग्स लेके दिए। सो कैन आई से दैट के यहाँ पे गोल्ड की और क्लोथ की यूटिलिटी अलग अलग है, इस वजह से मम्मी पापा अलग अलग जो रेंज के अंदर पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो गए थे। Why? Because gold ज़्यादा utility देगा rather than that cloth। जितना महंगा कपड़ा होगा आपने एक पार्टी में पहना, दूसरी पार्टी में पहना, तीसरी पार्टी में आप उसको नहीं कैरी कर सकते, ठीक है। हर बार तो अलग अलग रिश्तेदार नहीं ढूंढ सकते ना, कि जो रिश्तेदार एक पार्टी में है वो दूसरे में ना आए, ठीक है। और अगर बहुत अच्छी ड्रेस होती है, अगर आप वही पहन के आप हर एक पार्टी में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली सब लोग आपके दिखेंगे, तो हमेशा एक ही ड्रेस है इसके पास, ठीक है। सो कैन आई से दैट कि क्लोथ के ऊपर स्पेंड करना इज लेस रैशनल देन स्पेंडिंग ऑन गोल्ड, ठीक है। व्हाई? बिकॉज गोल्ड गिव्स यू रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ पे उसकी यूटिलिटी, जो गुड्स है उसकी यूटिलिटी बदल गई, तो यूजफुलनेस बदल गई, ठीक है। सो यहाँ पे यूजफुलनेस जो है, अब मैं कह रही हूं कि मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं। अब एक और वर्ड बढ़ा लेते हैं इसके अंदर यूटिलिटी के अंदर, दैट इज मार्जिनल। व्हाट इज मार्जिनल? मार्जिनल का मतलब होता है वन एडिशनल। अब एक कहानी सुनो। कहानी कुछ इस तरह से है, आप गए फॉर एग्जांपल आप स्कूल गए थे, बहुत दिन हो गए स्कूल गए, मैम क्या बातें कर रहे हैं ना, याद करते हैं वो स्कूल वाले दिन, ठीक है। आपको भी अब मिस हो रहा होगा ना स्कूल। तो फॉर एग्जांपल कि आप लोग स्कूल गए, घर पे आए 2 बजे, ठीक है। आज आप टिफिन ले जाना भूल गए थे, लंच ले जाना अपना भूल गए थे, और उसके अंदर जो कैंटीन था वो भी नहीं आया, कैंटीन वाले भी नहीं आए, पूरे दिन भूखे थे, मतलब आप 2 बजे तक भूखे थे, आपको कुछ नहीं मिला खाने के लिए। घर पे आए, आपने शूज वूज खोले के नहीं खोले, बस घर पे जाके डाइनिंग टेबल पे बैठ गए कि मम्मी बहुत भूख लगी है खाना खिलाओ, ठीक है, बहुत भूख लगी है मम्मी खाना खिलाओ। अब आप खाना खाने बैठे, आपको मम्मी चपाती बना के दे रही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सब्जी दीदी चपाती बना के दे रही है, पहली चपाती दी, बहुत मजा आया है ना, ऐसा लग रहा था आयुष ठंडे हो गए। नाउ फिर नेक्स्ट फिर एक और चपाती दी, है ना, वो भी चली गई अंदर, वो भी बहुत भूख लगी, लाओ लाओ लाओ, ठीक है, दूसरी चपाती खा ली आपने, तीसरी चपाती खाई। अब आप कैसे हो रहे हो कि अब ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, अब बहुत, जो सेटिस्फैक्शन आपको पहली चपाती से मिला था, क्या वो दूसरी चपाती से मिला है? उससे कम मिला है। पहली चपाती से जो सेटिस्फैक्शन मिला है, वो दूसरी चपाती से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो कम है, ठीक है। अब आपने तीसरी चपाती खाई, आप कैसे हो गए कि अब बहुत हो गया है, ठीक है मम्मी अब बस, आपको सेटिस्फैक्शन तीसरी चपाती से फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में कम मिल रहा है, ठीक है। सेटिस्फैक्शन इज अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट, आपके दिमाग के अंदर है, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं, ठीक है, जब हम खाने बैठते हैं। अब फिर भी मम्मी ने कहा नहीं नहीं तेरे को तो बहुत भूख लगी थी, ले चौथी चपाती मिली, ठीक है, उन्होंने फोर्थ भी डाल दिया आपकी प्लेट के अंदर, आप वो खा रहे हो, ठीक है। तो आपको कैसा हो गया कि मम्मी अब इससे ज्यादा दिया ना, तो मैं छोड़ के खड़ा था, है ना। सो कैन आई से दैट कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो सेटिस्फैक्शन है कॉन्सिक्यूटिवली एक एक चपाती के ऊपर आपका सेटिस्फैक्शन गिरता जा रहा था, डिक्रीज होता चला जा रहा था। ओके, सो यहाँ पे मैं वही बात कर रही हूँ कि वन एडिशनल यूनिट यूज करने से आपका जो सेटिस्फैक्शन है उस कमोडिटी का कम होता चला जाता है। दैट इज वॉट इज नोन एज डिमिनिशिंग, मतलब कम होते चला जाना। एक एक एडिशनल जो एडिशनल यूनिट का आप यूज करते चले जाते हैं उस कमोडिटी का, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होता चला जाता है। यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन बहुत प्यास लगी है, पानी पिया, एक ग्लास पानी पिया अच्छा लगा, दूसरा ग्लास पानी पिया ठीक है, तीसरा ग्लास पानी पिया अब नहीं हो सकता, कहने से दैट वो जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा था वो हर एक एडिशनल यूनिट के साथ कम हो रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट माय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेज। ओके, ये सीबीएसई वालों के लिए था स्पेसिफिकली, गुजरात बोर्ड के लिए यही 2 इफेक्ट है, लेकिन ये सीबीएसई वालों के लिए, ठीक है। व्हाट कुड बी अगर एडिशनल कंज्यूमर्स आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी कमोडिटी का जो फोर्थ रीजन है, इट कुड बी एडिशनल कंज्यूमर्स।
एडिशनल कंज्यूमर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस कम होता है, जो लोग पहले नहीं खरीद पा रहे थे अब उनके अफोर्डेबल लिमिट के अंदर आ गया, तो अब वो लोग भी खरीद सकते हैं, है ना. तो नए कंज्यूमर्स मिल जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पहले मोबाइल फोन्स बहुत महंगे आते थे. आप अगर कंपेयर करेंगे उस टाइम की इनकम के हिसाब से, तो मोबाइल फोन्स और कॉलिंग रेट्स जो थे बहुत महंगे थे. 6 रुपीज इनकमिंग एंड पर मिनट, एंड आउट गोइंग इज फॉर 9 रुपीज पर मिनट. जो इंट्रोडक्शन हुआ था जब मोबाइल फोन्स का, तो इतना महंगा था. तो उस टाइम के ऊपर कैसी थी, डिमांड कम थी. जैसे जैसे ये प्राइस लो होते चले गए, तो जो लोग मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो भी खरीदने लगे. ठीक है, क्यों, वाई, बिकॉज रेट्स कीप कमिंग डाउन. तो रेट्स अगर कम हो रहे हैं, प्राइस अगर कम हो रहा है, तो नए नए कंज्यूमर्स जो है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वो भी इंटरेस्ट दिखाने लगेंगे उस प्रोडक्ट के अंदर. सो जो कस्टमर्स बेस है ना, वो बढ़ता चला जाता है. वो लोग जो नहीं खरीद पा रहे थे वो भी खरीद पा रहे हैं. ओके, सो दीज आर सम रीजंस व्हाई अवर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स, और व्हाई देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, प्लीज कम टू मी एंड आस्क द क्वेश्चन. ठीक है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता है. अनलेस एंड अंटिल यू विल आस्क, ट्रेन निकल जाए उसके बाद नहीं बोलने का कि इस ट्रेन के अंदर मेरी सीट बुक थी. ठीक है, जब ट्रेन स्टेशन के ऊपर खड़ी है तभी उसके अंदर बैठ जाना चाहिए. दिस इज द रैशनैलिटी सेज, एंड वी आर स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स, वी शुड फॉलो द कंसेप्ट ऑफ रैशनैलिटी. आपकी लाइफ का एक साल है बेटा, व्हाट यू वांट टू डू इट डिपेंड्स ऑन यू. वैसे तो सबकी जिंदगी के जो एक साल है वो स्क्रू अप हो चुका है. ठीक है, नॉट यू, एवरीवन, लेकिन उसका इफेक्ट हम पे कम से कम तक पहुंचे उसको ध्यान में रखना है. ठीक है, सो नाउ यू आर योरसेल्फ रैशनल. हम लोग बात करते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. अब मैं बात कर रही हूं एक्सेप्शंस. एक्सेप्शन का मतलब समझते हो, वो चीजें जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता, एक्सेप्शंस है. ठीक है, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, वो चीज जहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता ही नहीं है. सबसे पहला, प्रेस्टीजियस गुड्स. मतलब लियोनार्डो दा विंची की मतलब उनके उनके हाथ से बनाई हुई पेंटिंग है. ठीक है, जितनी ज्यादा महंगी होगी उतनी ही ज्यादा ऑक्शन के अंदर बिकेगी. मतलब जितना ज्यादा ब्यूटीफुल वर्क, जितना ज्यादा महंगा, उतनी उसकी डिमांड ज्यादा होगी. प्रेस्टीजियस गुड्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि स्टेटस सिंबल. आपको क्या लगता है कि मर्सिडीज है, रोल्स रॉयस है, क्या ये वाकई में इतनी महंगी बनती होंगी? नहीं, लेकिन वो इतनी महंगी बिकती है. वाई? बिकॉज दे वॉन्ट टू कीप अ डिफरेंस कि कौन सा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी खरीद पा रहा है. अगर सब रोल्स रॉयस लेके निकल गए तो उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? कुछ नहीं. सो वाई? बिकॉज वही लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं रोल्स रॉयस वही खरीदते हैं. सो दैट इज अ स्टेटस सिंबल गुड. अगर कोई रॉयल्स रॉयस लेके निकला है तो ऑब्वियसली वो कोई आम पार्टी नहीं होगी, हम देखते ही समझ जाते हैं. ठीक है, कोई पॉश लेके निकला है तो इसका मतलब ये कि वो आम पार्टी नहीं है, काफी पैसे वाली पार्टी है. तो स्टेटस सिंबल प्रेस्टीजियस गुड्स है. ठीक है, जैसे ये ऑक्शंस जिनका लगता है, एंटीक गुड्स होते हैं, एक्सपेंसिव पेंटिंग्स वगैरह होते हैं, ये सारे क्या है, प्रेस्टीजियस गुड्स होते हैं. इनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता बेटा. ठीक है, देन वी हैव एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स. फॉर अस, फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, 2 रुपए के पेन मिलते हैं. ठीक है, वो 2 रुपए के बढ़ के 3 रुपए के मिलने लगे, तो उनके डिमांड के ऊपर ऐसे कोई असर नहीं पड़ेगा. ठीक है, मैचेस, मैच स्टिक्स जो हम लोग यूज करते हैं, मैच बॉक्सेस, 1 रुपए का मिलता है, वो 1 रुपए से 1.5 रुपए का मिलने लगे, तो उसके ऊपर कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं गिरेगा. ठीक है, सो वहां पे लॉ ऑफ डिमांड को ऑपरेट करने का कोई मीनिंग नहीं आता. सॉल्ट जो हम लोग यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, अगर वो 10 रुपए की जो पैकेट आता है या फिर 20 रुपीज का जो पैकेट आता है वो महंगा हो गया, तो 30 रुपीज का हो जाए, तो उसकी डिमांड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता है, एक्सेप्शन है. ठीक है, देन वी हैव इंफीरियर गुड्स. आपको बात किया था
कि नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स जैसे जवार बाजरा की मैंने आपको वहां पे एग्जांपल दिया था कि अगर कोई बंदा अगर उसकी इनकम बढ़ती है ठीक है तो वो क्या करता है इन्फीरियर गुड्स का कंजम्पशन कम कर देता है, मतलब इन्फीरियर गुड्स के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता। इन्फीरियर गुड्स तो ऑलरेडी वो लोग खरीदते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो लोग गरीब होते हैं ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर इन्फीरियर गुड्स जवार अगर पहले 2 रुपए किलो मिल रहा था अब 1 रुपए किलो मिलेगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, दैट इज नॉट हैपनिंग। सो कैन आई से दैट ये एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड है। देन वी हैव स्पेशल प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल, अगर लोगों की स्पेशल प्रेफरेंस होती है किसी कमोडिटी या किसी गुड को लेके तो वो लोग चाहे कितना भी महंगा हो जाए सस्ता हो जाए उसको नहीं बदलते। फॉर एग्जाम्पल आईफोन्स, दैट इज इन द स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ पीपल। आईफोन लिया है भाई, चाहे वो कितना भी महंगा हो जाए, लेना है मतलब लेना है ठीक है। सो दैट इज इन द स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ पीपल ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 रेस्टोरेंट्स है ठीक है, एक महंगा है और एक सस्ता है, लेकिन मेरे को वहीं पे जो महंगा रेस्टोरेंट है वहीं पे खाना अच्छा लगता है, दैट इज माई ओन प्रेफरेंस। तो जहां पे प्रेफरेंसेस की बात आती है ना वहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करता, एंड दैट इज वाई जो हमारा ब्रांडिंग है ना वो बनता है। इसी एक्सेप्शन की वजह से क्या बनता है, ब्रांड बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइक, प्यूमा, एडिडास, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ठीक है, जितना महंगा उनका शूज होगा, जितना महंगा उनका प्रोडक्ट होगा वो बिकेगा। वाई? बिकॉज दे हैव पीपल हैव स्पेशल प्रेफरेंसेस फॉर देम, और वो स्पेशल प्रेफरेंस प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देके बनाई जाती है ठीक है। दैट इज वाई द ब्रांड बिकेम। फिफ्थ वन वुड बी इग्नोरेंस, आपको पता ही नहीं है कि इसका प्राइस बढ़ गया है, आपको पता ही नहीं है कि इसके सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल है, पता ही नहीं है, रैशनल कस्टमर नहीं है, शॉर्ट इग्नोर्ड है ठीक है। जहाँ पे इरैशनल कस्टमर है या फिर इग्नोर्ड कस्टमर है वहां पे कुछ लॉ ऑफ डिमांड वगैरह कुछ काम नहीं करता है ठीक है। इन द केस ऑफ इमरजेंसीज, पीएम नरेंद्र मोदी ने बोला कि हमारा यहाँ पे हम लोग लॉकडाउन करने वाले हैं ठीक है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि राशन की दुकानें बंद रहेंगी या फिर केमिस्ट वगैरह बंद रहेंगे, मेडिकल्स बंद रहेंगे। उन्होंने क्या बोला, लॉकडाउन करने वाले हैं तो सब लोग टूट पड़े किसके ऊपर, सब्जी राशन वगैरह खरीदने के अंदर, वो तो खुले रहने वाले हैं ना, वो खुले रहने वाले हैं। लेकिन क्या था उस टाइम के ऊपर हमको लगा इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी तो हम वहाँ पे चाहे वो कितनी भी चीज महंगी हो रही हो चाहिए मतलब चाहिए, देन लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। तो दीज आर सम थिंग्स, लॉस ऑफ फेथ भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं फॉर एग्जाम्पल हमेशा प्यूमा के शूज पहनती थी ठीक है, लेकिन अब एक बार जब मेरे पहना तो उस शूज की वजह से मेरे को लेग में कुछ इंजरी हो गया फिर प्रॉब्लम हो गया तो मेरा फेथ ही उड़ गया उस कंपनी से, नहीं वो प्रोडक्ट तो आपका खराब है मेरे को चाहिए ही नहीं ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने रेफ्रिजरेटर लिया सैमसंग का या एलजी का ठीक है, तो आपका रेफ्रिजरेटर खराब निकला या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आई जा रही है उसके अंदर, बार बार कंपनी वाले बार बार ठीक करने आ रहे हैं या फिर ठीक नहीं हो रहा है वॉट एवर, तो आपका उस कंपनी के ऊपर से विश्वास हो गया तो लॉस ऑफ फेथ, अब वहां पे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं करेगा, लॉस ऑफ फेथ ठीक है। ये सारे मेरे एक्सेप्शन सेट ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड वेयर लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट ऑपरेट, जहां पे लॉ ऑफ डिमांड का कुछ भी काम यहाँ पे चलता नहीं है। ओके सो दीज वर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हमने आज की क्लास के अंदर लॉ ऑफ डिमांड से लगते जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे कवर अप करे हैं, इम्पॉर्टेंट प्लस इजी प्लस इंटरेस्टिंग ठीक है। जस्ट लेट मी नो इफ देर इज एनी प्रॉब्लम और लेट मी नो इफ यू गॉट इट इंटरेस्टिंग और नॉट। ओके सो हेल्प मी इम्प्रूव माई सेल्फ, हेल्प मी इम्प्रूव योर सेल्फ, प्लीज डू कम्युनिकेट ऑन व्हाट्सएप, ऑन यूट्यूब, on Facebook, wherever, but just communicate, okay? So I can help you and you can help me. And this is it for today. आगे का concept हम लोग अब next जब economics करेंगे तब करेंगे, next lecture of economics के अंदर करेंगे. Tomorrow we can have our statistics. Okay, so this is it for today and see you tomorrow.